हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जो आज मैं आपसे रेमेडी शेयर करने वाली हूँ उसका लाइव रिजल्ट भी आपसे मैं शेयर करूंगी और इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप देखेंगे कि आपके बाल जो है काले घने नेचुरल हो जाएंगे और काले हो जाएंगे किसी भी उम्र में, जो है आपके बाल सफेद हुए क्यों ना हो। काफी लोगों के कमेंट आते हैं मैम हमारी एज जो है बहुत कम है, हमारी जो है 22 की जो एज थी उसमें हमारे बाल जो है प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम हो गई थी, यानी कि समय से पहले हमारे बाल जो है बहुत ज्यादा वाइट हो गए, उसके लिए बता दीजिए। काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम हमारी एज जो है बहुत कम है, और काफी के कमेंट आते हैं मैम हम हेयर डाई जो है मार्केट वाली इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी बता दीजिए हम क्या करें जिससे हमारे वाइट बाल जो है एकदम से कवर आउट भी हो जाए, हमारे बाल जो रिग्रो हेयर आए वो भी ब्लैक आए। तो आज जो मैं आपको सोल्यूशन बताने वाली बहुत ज्यादा अच्छा है, लाइव रिजल्ट के साथ आपको दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्केप मत कीजिए, पूरी वीडियो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको इस रेमेडी का फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये है ड्राई आंवला। अब आप सोचेंगे इतना ज्यादा ब्लैक और ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये देखिएगा ये ड्राई आंवला है। तो जैसे मैंने आपको बताया है, काफी लोग जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है पुराने उन सबको पता होगा मैं जैसे कि आंवला इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं आपसे कहती हूँ इसे स्ट्रेन आउट कर दीजिए यानी कि निकाल दीजिए, तो वो निकाल कर जो हम फ्रीज में रख देते हैं आंवला इस तरीके का हो जाता है। आप भी 3 बार तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये मैं दूसरी बार अब इस्तेमाल करने जा रही हूँ और इसके बाद भी जब मैं स्ट्रेन आउट करूंगी यानी कि इसे छान दूंगी तो मैं इसे फ्रीज में उठा कर रख दूंगी, क्योंकि हम 3 बार तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना इंग्रीडियंट इसमें बसता है कि हम 3 बार तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो है आयरन की कढ़ाई। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने लिया है आयरन की कढ़ाई और मुझे जो मैं यहाँ पे आयरन की कढ़ाई, अभी गैस का फ्लेम बंद है, तो मैं यहाँ पे डालूंगी ऑयल यानी कि तेल। और देखिएगा, जैसे कि अब विंटर्स है और विंटर्स में आपको मेहंदी लगाना काफी लोगों को पसंद नहीं होता है पानी डाल के, क्योंकि उससे ठंड बैठ जाती है। तो उसी तरीके से आज मैं आपसे रेमेडी शेयर कर रही हूँ। तो देखिएगा, मैं यहाँ ले रही हूँ सरसों का तेल, और सरसों का तेल भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर जो भी ऑयल आपको सूट करता हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप वो ऑयल ले सकते हैं, या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ऑलिव ऑयल है क्योंकि गर्म होता है वो, और तिल का तेल भी बालों को काला बनाता है। कोई सा भी तेल ले सकते हैं, लेकिन मैं आज जो ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ यानी कि सरसों का तेल। तो आप अपने हिसाब से सरसों का तेल ले लीजिए, जितना आपको रेमेडी तैयार करनी हो उस हिसाब से ले सकते हो। तो देखिएगा, मैं इतना लूंगी कि मैं अच्छा सा एक रेमेडी तैयार कर लूँ और मैं आपको लाइव रिजल्ट के साथ दिखाऊंगी। इस तरीके से मैं इतना जो है मस्टर्ड ऑयल मैंने एक छोटे बॉयल के करीब, ये देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इतना ले लिया है। और ये आप जो देख रहे हैं आंवला, ये ड्राई आंवला, ये देखिएगा ये एक बॉयल के करीब है, और इसे मैं सारा इसमें ऐड कर दूंगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डाल लिया है ड्राई आंवला, और इसको रेमेडी को मैं 2 तरीके से लगाना बताऊंगी, कम एज के लिए और ज्यादा एज के लिए। और अब मैं करती हूँ गैस का फ्लेम ऑन। देखिएगा फ्रेंड्स, ये गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, सिम गैस पे ही आपको रखना है, उसे लगातार आपको चलाते रहना है। इस तरीके से आप जो है इसे चलाइए आंवले को, और ये आपको जो डालना है ड्राई आंवला ही डालना है, आपको मार्केट वाला पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है। अब जो हमें इसमें सेकंड इंग्रेडिएंट डालना होगा वो है काला कत्था, और काला कत्था हेयर के लिए ही होता है। देखिएगा, ये है काला कत्था, इसे मैंने पीस लिया था। इसके ब्रिक्स आते हैं, आप मार्केट से, लोकल मार्केट से बाय कीजिए, और 1/2 टेबल स्पून ये देखिएगा इस तरीके से मैं यहाँ पे काला कत्था इसमें ऐड करूंगी। और ये इतना अच्छा जो है गाइस, इतना अच्छा वर्क करता है काला कत्था, और जब ये इंग्रेडिएंट मिलते हैं ऑयल के अंदर बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। अब देखिएगा, हमें इसे 4 से 5 मिनट तक इस तरीके से पकाना। अब जो हम इसमें ऐड करेंगे वो करेंगे मेहंदी यानी कि हीना ऐड करेंगे हम इसके अंदर। तो चलिएगा, मैं इसमें हीना ऐड कर देती हूँ, जितनी आपको मेहंदी डालनी हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब में हीना डाल रही हूँ। इस तरीके से ये देखिएगा, हीना मैंने यहाँ पे डाल दिया है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ इसे हम जो कम एज के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप हीना बिल्कुल मत डालिएगा इसके अंदर। और आपको जो डालना है, आपको इसमें डालना है एलोवेरा। आप यहाँ पे प्लांट वाला एलोवेरा भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे जो है हरा वाला यानी कि ग्रीन वाला जो एलोवेरा होता है वो भी ले सकते हैं। और इस तरह अगर ये वाला एलोवेरा डालना चाहते हैं पतंजलि वाला, तो आप इसमें डाल सकते हैं लास्ट में। अभी आप इस ऑयल को जो है 8 से 10 मिनट तक गर्म करेंगे तभी आप जो है डालेंगे। अगर आप कच्चा प्लांट वाला डालते हैं एलोवेरा, तो आप इसे मेहंदी की जगह रिप्लेस करेंगे, यानी कि मेहंदी ना डालकर आप कच्चा वाला एलोवेरा इस तरीके से आपको करना है। और गैस का फ्लेम आपको सिंपल ही रखना है, इस तरीके से आप चलाते जाइएगा इस तरीके से। और आपको आप देखिएगा,
अब ये जब 8 से 10 मिनट तक पक जाएगी, पूरा प्रोसेस जो है हमारा 8 से 10 मिनट का है। हमें इसे हल्का ही वार्म करना है, यानी कि गर्म करना है, ज्यादा इसे जलाना नहीं है बिल्कुल भी, कि ज्यादा ये बिल्कुल ना जले। इस तरीके से चलाते जाना है आपको। और अगर आप एक चम्मच से ज्यादा मेहंदी डालते हैं तो आपको ऑयल की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा करनी होगी, जो है बैक के हेयर के लिए ही बनाई है। और जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगी वो इसी तरीके से दिखाऊंगी, देखिएगा इस तरीके से आप चलाते जाइए। और ओवरनाइट यानी कि देखिएगा, अब मैं कर देती हूँ गैस का फ्लेम बंद, और मैंने कर दिया गैस का फ्लेम बंद। अब पूरी रात के लिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी और फिर हम इसे सुबह जो है स्ट्रेन आउट कर लेंगे। तो चलिएगा, मैं इसे ढककर रख देती हूँ रात भर के लिए। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैंने सुबह मॉर्निंग हो गई है और इस तरीके से स्ट्रेन आउट कर लिया है। और ये देखिएगा ऑयल जो है इस कढ़ाई में ही इस तरीके से है। अब चलिएगा, अब हम इसे पलट लेते हैं बॉइल। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस तरीके से मैंने एक बॉइल के अंदर इस ऑयल को निकाल लिया और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना ज्यादा जो है जेट ब्लैक कलर आया है। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इसी तरीके से आपको लगाना है। तो चलिएगा, अब जो है हमें लाइव डेमो आपको दिखा देते हैं लाइव, चलिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, कितने सारे मैं आपको व्हाइट हेयर दिखाती हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे व्हाइट हेयर हैं। और मैं आपको अभी लगा के इंस्टेंट ही दिखाऊंगी इसमें कितना अच्छा ब्लैक रिजल्ट आता है, ये देखिएगा। और आपको जो है वेट ड्राई होने तक लगाना है, जो चीज़ मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। ये देखिएगा कितने सारे व्हाइट हेयर हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस तरीके से हमें जो है इसे लगाना है। ये देखिएगा इस तरीके से आप जो है सारे हेयर में लगाएं इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से आप जो है, ये देखिएगा व्हाइट हेयर है, इस तरीके से सब में लगाएं। ये बहुत ही अच्छा जो है कलर भी देता है, बालों को ब्लैक करता है। आप इस तरीके से जो है इसे वीक में 2 से 3 बार यूज करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे कि सर्दियां हैं और सर्दियों में इस तरह की चीज ही अच्छी लगती है, पानी वाली चीजें आपको लगाने में जैसे सभी को मन नहीं करता है, तो आप इस तरीके से अपने बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक कर सकते हैं। देखिएगा इंस्टेंट ही कितना ज्यादा जो है ये ब्लैक कलर आया है। ये देखिएगा इस तरीके से आप पूरे बालों में अप्लाई कर लें इसे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हमने इस तरीके से पूरे में लगाकर कंप्लीट कर लिया है। और अब इसे आपको वेट ड्राई होने तक रखना है। आप इसे जो है रात में भी लगाकर सो सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन जिनके पास में रात का टाइम ना हो तो आप इस तरीके से दिन में लगा सकते हैं। लेकिन आपको अच्छे से, आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा इसे रखना है, क्योंकि हमने इसे ऑयल में बनाया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देखिएगा कितने ज्यादा जो व्हाइट हेयर थे एकदम इंस्टेंट ब्लैक कलर आया है उनमें इस तरीके से। और आपको जो हेयर वॉश करना है नॉर्मल वाटर से ही करना है, यानी कि सादा पानी से। 2 दिन के बाद अपना शैम्पू करना है आपको, जो है माइल्ड ही इस्तेमाल करना है। ये देखिएगा इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप लगाएंगे। देखिएगा वाइट हेयर में आप देख रहे हैं अच्छे से, इस तरीके से पूरा एक एक बाल आपको जो है लगा देना है इसे। तो फ्रेंड्स देखिएगा, अब ये वेट ड्राई हो जाएगी तभी मैं आपको इसका रिजल्ट शेयर करती हूँ। और इस समय आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है। वेट ड्राई होने के बाद ही आपको जो है हेयर वॉश करना है। देखिएगा मैं आपको दिखा देती हूँ रिजल्ट, देखिए कितना ज्यादा जो है डीप कलर आया है एकदम से आपको। ये देखिएगा कितना ज्यादा जो है ब्लैक कलर आया, मैंने यहीं पे ही आपको दिखाया था। ये देखिएगा आपको जो है अभी शैम्पू नहीं किया गया, केवल जो है नॉर्मल वाटर से ही हेयर वॉश किया है। इस तरीके से आप जो है वीक में लगाएंगे, कम से कम 3 बार आपको लगाना है वीक में, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आपको देगा। एकदम इंस्टेंट आपके बाल जो है ब्लैक हो जाएंगे, नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से ब्लैक हो जाएंगे इस तरीके से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, जानकारी अच्छी लगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।